हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस बार पेट पकड़ के हंसने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि बिग बॉस 18 में आ रहे हैं इस बार एक कॉमेडियन। जी हाँ, आप इनको पहले भी कॉमेडी करते हुए देख चुके हैं द ग्रेट कपिल शर्मा शो में। जी हाँ, 5 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाला है बिग बॉस 18। और जब बिग बॉस की बात हो तो सलमान खान की तो बात खुद ही आ जाती है, क्योंकि बिग बॉस अधूरा है सलमान खान के बिना। और सलमान खान अपना प्रोमो भी शूट कर चुके हैं बिग बॉस 18 के लिए, तो बहुत ही जल्द बिग बॉस 18 स्टार्ट होने वाला है। और कपिल शर्मा के शो में आपने चंदन प्रभाकर को तो देखा ही होगा। जी हाँ, ग्रेट कपिल शर्मा शो में आपने चंदन प्रभाकर को चंदू चायवाला के किरदार के नाम से देखा ही है। वो किस तरीके से अपनी कॉमेडी करते हैं, जो चंदन प्रभाकर हैं वो कपिल शर्मा के बहुत अच्छे बचपन के दोस्त हैं और उनके साथ कई वो सीज़न कर चुके हैं। लेकिन जब से कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पे आया है, तब से चंदन प्रभाकर उनके साथ नहीं दिखे हैं। तब से क्वेश्चंस पूछे गए चंदन से कि आप अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं कपिल शर्मा शो में, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि मैं अब कॉमेडी को छोड़ के कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ, मैं टीवी इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ। तो इसी बात को देखते हुए मेकर्स ने अप्रोच कर लिया है चंदन प्रभाकर को। जी हाँ, और चंदन प्रभाकर लगभग कंफर्म हो चुके हैं बिग बॉस 18 के लिए। तो अब देखना ये होगा कि अब वो किस तरीके से अपनी रियलिटी को यहाँ पे दिखाते हैं बिग बॉस 18 के अंदर, क्योंकि लोग उनको पहले से ही इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्होंने अपनी कॉमेडी से अपना बहुत अच्छा फैन बेस बना रखा है कपिल शर्मा शो से ही। लोग उनको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके किरदार को बहुत पसंद करते हैं। अब देखना ये होगा कि वो रियलिटी में लोगों को कितना हंसा हंसा के पागल कर सकते हैं, क्योंकि कपिल शर्मा शो तो उनके बिना अधूरा ही था। आप देखते हैं कि बिग बॉस 18 में आने के बाद वो कैसे कॉमेडी का तड़का लगाते हैं बिग बॉस में, और सलमान खान उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हंसते हंसते या गुस्से से। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको पता था कि चंदन प्रभाकर का ही को ही चंदू चाय वाला बोला जाता है, या चंदू चाय वाला का नाम चंदन प्रभाकर आपको पहले से पता था।